हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स यू स्कोर 100 द कंप्लीट सक्सेस अ फ्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन चैनल, सब्सक्राइब फॉर फ्री वीडियोस। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं, साथ ही घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शेयर करें अपने दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ब्लॉगर इत्यादि पर। एक लाइक जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो कॉमेंट्स या सजेशन हमें प्लीज़ 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 जरूर भेजें। थैंक यू। सी टेट पेपर सेकंड, भाग 5, भाषा सेकंड, हिंदी, फरवरी 2015। निर्देश: नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के प्रश्न संख्या 121 से 129 के सबसे उचित विकल्प को चुनिए। स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे संत थे जिनका रोम रोम राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत था। उनके सारे चिंतन का केंद्र बिंदु राष्ट्र था। अपने राष्ट्र की प्रगति उत्थान के लिए जितना चिंतन एवं कर्म इस तेजस्वी सन्यासी ने किया, उतना पूर्ण समर्पित जन राजनीतिज्ञों में ने भी संभवतः नहीं किया। अंतर यह है कि इन्होंने सीधे राजनीतिक धारा में भाग नहीं लिया, किंतु इनके कर्म और चिंतन की प्रेरणा से हजारों ऐसे कार्यकर्ता तैयार हुए जिन्होंने राष्ट्र रथ को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इन्होंने निजी मुक्ति को जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया था, बल्कि करोड़ों देशवासियों के उत्थान को ही अपना जीवन लक्ष्य बनाया। राष्ट्र के दीनहीन जनों की सेवा को ही वे ईश्वर की सच्ची पूजा मानते थे। सत्य की अनवरत खोज उन्हें दक्षिणेश्वर के संत श्री रामकृष्ण परमहंस तक ले गई, और परमहंस ही वह सच्चे गुरु सिद्ध हुए जिनका सानिध्य पाकर इनकी ज्ञान पिपासा शांत हुई। 39 वर्ष की संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी जी जो कार्य कर गए, वे आने वाले अनेक शताब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने शिकागो अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और इसे सार्वभौमिक पहचान दिलवाई। 3 वर्ष तक वे अमेरिका में रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय ज्ञान तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान की। अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्वनाथ हो जाएगा, यह स्वामी जी का एक दृढ़ विश्वास था। वे केवल संत ही नहीं वरन एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी थे। अमेरिका से लौटकर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने के लिए देशवासियों का आह्वान किया और जनता ने स्वामी जी की पुकार का उत्तर दिया। गांधी जी को आज़ादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला था, वह स्वामी जी के आह्वान का ही फल था। 19वीं सदी के आखिरी दौर में वे लोग सशक्त क्रांति के जरिए भी देश को आज़ाद कराना चाहते थे, परंतु उन्हें जल्द ही यह विश्वास हो गया था कि परिस्थितियां उन इरादों के लिए अभी परिपक्व नहीं हैं। इसके बाद ही उन्होंने एक परिवारजक के रूप में भारत और दुनिया को खंगाल डाला। स्वामी जी इस बात से आश्वस्त थे कि धरती की गोद में यदि कोई ऐसा देश है जिसने मनुष्य की हर तरह की बेहतरी के लिए ईमानदारी से कोशिश की है, तो वह भारत ही है। उनकी दृष्टि में हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ चिंतकों के विचारों का निचोड़ पूरी दुनिया के लिए अभी भी आश्चर्य का विषय है। स्वामी जी ने संकेत दिया था कि विदेशों में भौतिक समृद्धि तो है और उनकी भारत को जरूरत भी है, लेकिन हमें याचक नहीं बनना चाहिए। हमारे पास उससे ज़्यादा बहुत कुछ है जो हम पश्चिम को दे सकते हैं, और पश्चिम को उसकी बेसाख्ता जरूरत है। प्रश्न नंबर 121, निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा स्वामी विवेकानंद का चिंतन का सबसे बड़ा प्रमुख केंद्र बिंदु था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्र का विकास। प्रश्न नंबर 122, स्वामी विवेकानंद जी का शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने का उद्देश्य था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, हिंदू धर्म में निहित ज्ञान तत्व ज्ञान से विश्व को परिचित कराना। प्रश्न नंबर 123, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा उर्दू भाषा का है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, बेसाख्ता उर्दू भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 124, गांधी जी को आज़ादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला था, वह स्वामी विवेकानंद जी के आह्वान का ही फल था। निम्नलिखित में कौन सा कथन इसके भाव को सही रूप में व्यक्त करता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी को जो समर्थन मिला, उसकी नींव स्वामी विवेकानंद ने ही रखी थी। प्रश्न नंबर 125, राष्ट्रभक्ति शब्द में प्रयुक्त समास है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, संबंध तत्पुरुष। प्रश्न नंबर 126, मनुष्य की बढ़ोतरी के लिए ईमानदार कोशिश की है वाक्य में रेखांकित शब्द
में विशेषण उपभेद बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, गुण बोधक। क्वेश्चन नंबर 127, 127 परिपक्व की भाववाचक संज्ञा है। परिपक्व की भाववाचक संज्ञा है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, परिपक्वता। परिपक्व की भाववाचक संज्ञा है परिपक्वता। प्रश्न नंबर 128, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सानिध्य का समानार्थक है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, समीपता। सानिध्यता समानार्थक है समीपता। प्रश्न नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, खंगाल एक देशज प्रकार का शब्द है। निर्देश: नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों प्रश्न संख्या 130 से 135 में सबसे उचित विकल्प चुनिए। हमारे विशाल देश में हिमालय के अनंत हिम राशि वाले ग्लेशियर ने जिन नदियों को जन्म दिया है उनमें गंगा और यमुना नाम की नदियां हमारे जीवन की धमनियों की तरह हैं। उनकी गोद में हमारे पूर्वजों ने सभ्यता के प्रांगण में अनेक नए खेल खेले। उनके तटों पर जीवन का जो प्रवाह प्रचलित हुआ है वह आज तक हमारे भूत और भावी जीवन को संचित सींच रहा है। भारत हमारे देश है और हम उसके नागरिक। यह एक सच्चाई हमारे रोम रोम में बंधी बिंधी हुई है। नदियों की अंतर्वेदियों पर पनपने वाले आदि युग के जीवन पर हम अब जितना अधिकार विचार कर अधिक विचार करते हैं, हमको अपने विकास और वृद्धि की सनातन जड़ों का पृथ्वी के साथ संबंध उतना ही अधिक घनिष्ठ जान पड़ता है। हमारे धार्मिक पर्वों पर लाखों लोग नदी और जलाशयों के तटों पर एकत्रित होते हैं। पृथ्वी के एक एक जलाशय और सरोवर को भारतीय भावना से ठीक प्रकार से समझने का प्रयत्न किया, उनके साथ सौहार्द का भाव उत्पन्न किया जो हर एक पीढ़ी के साथ नए रूप में बंधा रहा। किंतु आज स्थिति बड़ी विचित्र है और एक सीमा तक चिंताजनक हो गई है। हमारी औद्योगिक क्रांति ने अनेक प्रदूषित कर दिया है, विषैला बना दिया है। जीवन नदी दायनी नदियाँ आज प्राण घातनी बनती जा रही हैं। मिल बैठकर सोचने की आवश्यकता है कि क्या करें और ये पुनः जीवदानियाँ हो जाएं, और उन सोची हुई योजनाओं को अमल में लाने की भी आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 130, गंगा यमुना को जल कहाँ से मिलता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, अनंत जल राशि से। प्रश्न नंबर 131, लेखक के अनुसार हमारी सभ्यता का जन्म हुआ है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, हिमालय से। प्रश्न नंबर 132, स्थिति चिंताजनक क्यों हो गई है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, नदियां कम हो गई हैं। माफ कीजिए, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, नदियां प्रदूषित हो गई हैं। प्रश्न नंबर 133, जीवन दायिनी का विलोम शब्द है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, प्राण घातनी। जीवन दायिनी का विलोम है प्राण घात। प्रश्न नंबर 134, औद्योगिक शब्द का मूल शब्द है। सही उत्तर है औद्योगिक शब्द का मूल शब्द है ऑप्शन नंबर 2, उद्योग। औद्योगिक शब्द का मूल शब्द उद्योग है। प्रश्न नंबर 135, जिसका कोई अंत न हो उसे कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, अनंत। जिसका कोई अंत न हो उसे अनंत कहते हैं। निर्देश: नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। प्रश्न नंबर 136, पोर्टफोलियो का संबंध कौन सा कथन सही है। पोर्टफोलियो के संबंध में कौन सा कथन सही है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, पोर्टफोलियो। इससे बच्चों की क्रमिक प्रगति के बारे में पता चलता है। प्रश्न नंबर 137, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का मुख्य उद्देश्य है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता के विकास में मदद करना। प्रश्न नंबर 138, भाषा हमारे या हमारी डैश को व्यवस्थित करती है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2,
विचार प्रक्रिया को, भाषा हमारी या हमारे विचार प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है। प्रश्न नंबर 137, 139, भाषा हमें डैश वह डैश की अनखोजी दुनिया में ले जाती है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, भाषा हमें ज्ञान व कल्पना की अनखोजी दुनिया में ले जाती है। प्रश्न नंबर 140, जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई का अनुभव होता है वे बच्चे डैश से ग्रसित हो सकते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, डिसग्राफिया से। जिन बच्चों को लिखने में दिक्कत होती है वो बच्चे डिसग्राफिया से ग्रसित हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 144, हिंदी भाषा की कक्षा में, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते। प्रश्न नंबर 142, बहुभाषी कक्षा की आवश्यकताओं को संबोधित करने में सर्वाधिक सहायक है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, विविध स्वरूपी पाठ्य सामग्री। प्रश्न नंबर 143, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, व्याकरण के व्यावहारिक पक्ष पर। प्रश्न नंबर 144, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों को न केवल विषय वस्तुओं के लिए स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए बल्कि, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, विविध भाषाओं के लिए विभिन्न स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए। प्रश्न नंबर 145, त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, राजभाषा के रूप में। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान राजभाषा के रूप में है। प्रश्न नंबर 146, भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, किसी भी भाषा के किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। प्रश्न नंबर 147, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास के संदर्भ में किस बिंदु पर सबसे अधिक बल दिया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अनुकरण पर। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, भाषा ही सीखी जा सकती है। प्रश्न नंबर 149, सामाजिक व्यवहार के वह सांस्कृतिक पैटर्न नमूने अवचेतन स्तर पर ग्रहण किए जाते हैं? प्रश्न नंबर 147, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास के संदर्भ में किस बिंदु पर सबसे अधिक बल दिया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक अंतःक्रिया पर। प्रश्न नंबर 148, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, भाषा एवं सामाजिक विमर्श को भी बढ़ावा मिलता है। भाषा एवं सामाजिक विमर्श को भी बढ़ावा मिलता है। प्रश्न नंबर 149, सामाजिक व्यवहार के डैश व सांस्कृतिक पैटर्न नमूने अवचेतन स्तर पर ग्रहण किए जाते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, भाषिक। प्रश्न नंबर 150, प्रत्येक भाषा की पृष्ठभूमि में अवस्थित भाषिक व्यवस्था ही डैश और कार्यक्रम को गढ़ती है तथा व्यक्ति के मानसिक क्रियाकलाप के लिए निर्देशन का कार्य करती है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, धारणाओं को। ये आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न था। आशा करते हैं सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। अगर सब्सक्राइब दोस्तों अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही घंटी के बटन को जरूर दबा दें वीडियो देखने के लिए।